दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल जॉब अर्थ स्टेनोटाइपस की सीधी भर्ती निकली है किमें अप्लाई करना है की है सिलेबस क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसैस इस बारे दसन तो पहला जेड़े भी दोस्त मेरे चैनल पर नवे ने वो मेरे चैनल में सबसक्राइब कर दौ ताकि तक सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी कॉम्पीटिशन एग्जाम उन्होंने रिजल्ट और एडमिशन संबंधी जानकारी समय सिर पहुँचती की जा सके। इस तो अलावा वीडियो में वो शेयर कर दौ ताकि किसी जरूरतमंद तक यह वीडियो समय सिर पहुँच जाए और इन पोस्टों को अप्लाई करके अपने काम पर लग जाए। दोस्तों पंजाब सरकार वालों पिछले कुछ दिनों तो काफ़ी सारिया भर्तियां दे जो पब्लिक नोटिस जारी किए गए हैं जिन्हां वास्ते योग्यता 10वीं 12वीं पास डिप्लोमा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो दोस्तों तुम इन टच रहो तुम हरेक जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। आओ ले चलता हाँ तुम पब्लिक नोटिस वाले। दोस्तों पब्लिक नोटिस है अधीन सेवावान चोन बोर्ड पंजाब वालों जिस विच सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर दियां दो पोस्टां जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की एक पोस्ट और स्टेनोटाइपिस्ट दियां 67 पोस्ट टोटल 70 पोस्टां ने इन वास्ते अर्जियों की मांग की गई है। इश्तहार जो पब्लिश होया है उसकी जो डेट है 4/9/2023 है। ऑनलाइन अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट 4/9/2023 है। ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी मिति 25/9/2023 है। इस तो अलावा फीस भरने की आखिरी डेट 27/9/2023 है। दोस्तों इन पोस्टों वास्ते जो कि ग्रुप बी दियाँ सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर दियाँ असामियां ते ग्रुप सी जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर और स्टेनोटाइपिस्ट दियाँ असामियां हैं जो कि 25/9/2023 तक केवल ऑनलाइन मोड राही अर्जियां स्वीकार कीतियां जाणगियां। इन दी असामियां दी वंड जो कैटागरी वाइज है वो स्क्रीन पर तुसीं देख सकते हो। जिवें सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर है तो इन दियाँ दो पोस्टां ने एक पोस्ट जनरल वास्ते एक पोस्ट एस एम एंड बी वास्ते है। वूमन कैंडिडेट लिए दोवें पोस्टा रखी ने। इस तो अलावा जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है वह बीसी कैटागरी वास्ते जो कि वूमन कैंडिडेट वास्ते रखी है। जो स्टेनोटाइपिस दी पोस्टा ने उन्हां विच वक्रे वक्रे विभाग जिवें डायरेक्टर पशु पालन विभाग की चार पोस्टा ने जिस विचों दो पोस्टा वूमन कैंडिडेट लई ते तीन पोस्टा जनरल कैटागरी अते एक पोस्ट एस सी एम एंड बी वास्ते राखवी है। विभाग का नाम दफ्तर प्रधान मुख वनपाल पंजाब जिस विच नौ पोस्टा ने तीन पोस्टा वूमन कैंडिडेट लई राखवीं ने। इस तो अलावा कैटागरी वाइज भी वंड तुसीं स्क्रीन पर देख सकते हो। डीसी अमृतसर वास्ते जो पोस्टा ने तीन पोस्टा ने उन्हां वास्ते जनरल दियां दो अते एस सी एम एंड बी की एक पोस्ट है जिस विचों एक पोस्ट वूमन कैंडिडेट वास्ते राखवी है। इस तो अलावा विभाग का नाम माल पुनर्वास अते डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग है जिस विच पांच पोस्टा ने टोटल एक पोस्ट वूमन कैंडिडेट लई राखवी है जो कि जनरल कैटागरी वास्ते राखवी है। आम राज प्रबंध विभाग विच जो पोस्टा ने 41 पोस्टा ने जिस विचों 12 पोस्टा वूमन कैंडिडेट वास्ते राखवी ने। अदरवाइज कैटागरी वाइज वंड तुसीं स्क्रीन पर देख सकते हो। विभाग का नाम लोकल ऑडिट विंग वित्त विभाग पंजाब है जिस विच टोटल तीन पोस्टा ने। एक्स सर्विसमैन जनरल दियाँ दो पोस्टा और बीसी कैटागरी की एक पोस्ट है। डायरैक्टर डेयरी विकास विभाग पंजाब दियाँ जो दो पोस्टा ने जनरल कैटागरी वास्ते एक इकनोमिकली वीकर सैक्शन जो कि वूमन कैंडिडेट लई पोस्ट राखवी है एक पोस्ट है। दोस्तों इन पोस्टा भरन लई जो कैटागरी कोड है वह भी तुसीं स्क्रीन पर देख सकते हो। तनखा जो मिलेगी इन पोस्टा वास्ते सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर 35,400 रुपये प्रति महीना, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर 29,200 रुपये प्रति महीना, स्टेनोटाइपिस्ट 21,700 रुपये प्रति महीना जो इनिशियल पे दिती जाएगी। इस तो अलावा जो सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर और स्टेनोटाइपिस्ट की असामी लिए विद्यक योग्यता है। बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन तुसीं ग्रेजुएट होना ताडा जरूरी है। इस तो अलावा 120 घंटे का जो कंप्यूटर का कोर्स है वह किया होया होना लाजमी है। इस तो अलावा दोस्तों तुसीं पंजाबी पास जो 10th लैवल तक की होनी लाजमी है। उम्र सीमा जो रहेगी 18 से 37 साल रहेगी। इस तो अलावा पंजाब राज के अनुसूचित जाति और पछड़ी श्रेणी के वसनीक उम्मीदवारों लिए जो वध उम्र है वह 42 साल होगी। इस तो अलावा राज और केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों लिए उम्र सीमा 45 साल रहेगी। पंजाब के वसनीक अंगहीणा की उपरली सीमा 10 साल की छोट रहेगी। उन्हां दी उपरली उम्र हद 47 साल रहेगी। तो इस तो अलावा रिजर्वेशन का लाभ केवल पंजाब राज के वसनीकों ही मिलन योग होगा जिस वास्ते तुम डोमोसाइल सर्टिफिकेट या रेजिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड करना पवेगा। इस तो अलावा एस सी कैटागरी एस टी कैटागरी इकनोमिकली वीकर सैक्शन का सर्टिफिकेट भी जो पंजाब सरकार दियाँ प्रचलित हदायतों अनुसार होना लाजमी है। फीस जो रहेगी आम वर्ग स्वतंत्रता संग्रामी खिडारी वास्ते 1,000 रुपए, एस सी बी सी कैटेगरी इकनोमिकली वीकर सैक्शन 250 रुपए, साबका फौजी आश्रित वास्ते 200 रुपए, दिव्यांगजन हैंडीकैप वास्ते 500 रुपए जो फीस इन फार्मां भरन लई रहेगी। सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर की जो चोन विधि है सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर की असामी लिए उम्मीदवार का पंजाबी स्टेनोग्राफी जो डिक्टेशन टैसट होगा 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड न लिया जाएगा। इस टैसट में कुल 500 शब्द 250 शब्द
दे दो पैरे होंगे जिसनों 20 शब्द प्रति मिनट के हिसाब नाल ट्रांसक्राइब करना होगा। इस तो अलावा अंग्रेजी शॉर्ट हैंड का टैसट 60 शब्द प्रति मिनट की स्पीड नाल लिया जाएगा और इस टैस के कुल 250 के दो पैरे होंगे जिसनों 12 शब्द प्रति मिनट के हिसाब नाल ट्रांसक्राइब करना होगा। 4% जो गलतियां होंगियां वो माफ होंगियां। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर 8% गलतियां माफ करन योग होंगियां। स्टेनोटाइपिस्ट की गल करते हैं इसलिए पंजाबी स्टेनोग्राफी डिक्टेशन टैसट 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड नाल लिया जाएगा। इस टैसट लिए कुल 400 शब्द होंगे जिस विच 200 शब्द के दो पैरे होंगे जिसनों 15 शब्द प्रति मिनट के हिसाब नाल ट्रांसक्राइब करना होगा। 8% गलतियां माफ होंगे। तो इस तो अलावा पात्रता रद्द भी हो सकती है जे तुसी पूरी फीस नहीं भरी, विनय पत्र विच अधूरी सूचना भरी है, ऑनलाइन फार्म मुकम्मल नहीं किया, जां फिर तुसी एलिजिबल नहीं हो अते तुसी फार्म विच कोई गलत जानकारी दिती है। अप्लाई करने वास्ते तुसी दोस्तों www.SSSB.punjab.gov.in ते ऑनलाइन एप्लीकेशन अधीन मुहैया लिंक ते जाना है। 4/9/2023 तो 25/9/2023 तक केवल ऑनलाइन फार्म राही तुसी इन्हां पोस्टां लई अप्लाई कर सकते हो। तुहानू पोर्टल ते सारी जानकारी इस ऐड की जो PDF और इस तो अलावा जो जानकारी तुहानू लोड़ींदी है वो मिल जाएगी। जे किसी परेशानी का सामना करना पैंदा है तो उस लई हैल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। तो उम्मीद करता हाँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी तुहाडे लई लाहेवंद रहेगी। इन्हां शब्दों के नाल तुहाडे तो विदा लैंदा हाँ, अगली वीडियो नाल जल्द ही मिलांगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स वंस अगेन टू ऑल माई